हाय गाइस, मैं हूं आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ गार्नियर बीबी क्रीम एंड पॉन्ड्स बीबी क्रीम की रिव्यू शेयर करूंगी। जी हाँ, ये क्रीम कैसी है, कैसी नहीं है, आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, फुल डिटेल इस वीडियो में दूंगी। साथ में आपको उसका डेमो भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भी। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले गार्नियर बीबी क्रीम की। तो मैं बता दूं ये क्रीम क्या करता है। ये बीबी क्रीम है, ये ब्यूटी बेनिफिट क्रीम है, ये ऑल इन वन मॉइस्चराइजर है। जी हाँ, इसमें SPF 24 है, ये ट्रिपल प्लस UVA एंड UVB प्रोटेक्शन देता है आपको। विटामिन सी है, आमंड एक्सट्रैक्ट है, इसमें मिनरल्स हैं फॉर ब्राइटनिंग के लिए, और ये सुटेबल फॉर इंडियन स्किन टोन है। जी हाँ, ये स्पेशली इंडियन स्किन टोन को ध्यान में रख करके ही बनाया गया है। क्वांटिटी बात करूँ तो 18 ग्राम है। अब ये क्रीम क्या करता है आप देख सकते हैं, ये आपकी स्किन को फेयर बनाता है, ग्लोइंग बनाता है, स्मूथ करता है, आपकी स्किन टोन को इवन बनाता है एंड मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। तो ये ऑल इन वन क्रीम जिसे इसमें कहा है बिल्कुल सही है और ये इतने सारे क्लेम करता है। अभी आपको प्राइस की मैं जैसे बात करूँ तो प्राइस 135 रुपीज़ है। तो 135 रुपीज़ में आपको 18 ग्राम की क्वांटिटी मिल रही है तो बहुत सही है, बहुत ज़्यादा महंगी क्रीम भी नहीं, नॉर्मल है, आराम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो पैकेजिंग की बात करूँ तो ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत छोटी पैकेजिंग जैसे मैंने कहा है, तो आराम से आप इसे अपने बैग में कैरी कर सकते हैं और इसे सबको मतलब जैसे बोलूँ जैसे टीनेजर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। बीबी क्रीम है, बहुत ही लाइट वेटेड है। अब मैं आपको इसे खोल करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी, मैं आपको फिर से दिखा दूँ हाथ पे जी। तो आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा हल्की है और ये इजीली आपके स्किन में ब्लेंड हो जा रही है क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजर है जैसे आपको इसने बताया है। अभी मैं फिर से आपको दिखा दूँ तो बहुत ज़्यादा इजीली मेरे स्किन पे ये अब्सॉर्ब हो जा रही, फैल रही है, मुझे कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजर मिला हुआ है। तो जिसकी स्किन ड्राई है उनके लिए तो ये क्रीम बहुत ही अच्छी है, बहुत जैसे बोले क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन जिनकी स्किन ऑयली है उनको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने इसे लगाया भी था तो जैसे मैं पर्सनल बताऊँ आपको तो इसको लगाने के बाद ऐसा लगता है जैसे टिंटेड मॉइस्चराइजर जो आते हैं बहुत ही लाइट वेटेड है, लेकिन ये आपके जो स्किन पे जो इम्परफेक्शन होती है, फाइन लाइन्स होती हैं एंड जो ब्राउन स्पॉट्स होते हैं या डार्क सर्कल होते हैं उसको ये ज़्यादा हाइड नहीं करती। तो जिनकी स्किन फ्लॉलेस है, जिनको ज़्यादा हाई कवरेज की नहीं चाहिए, नॉर्मल टू मीडियम कवरेज चाहिए, तो उनके लिए क्रीम अच्छी है। और मैं बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दे रही, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई गार्नियर पसंद नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने इसे यूज़ किया, मैंने इसे कल लगाया था और उससे पहले भी मैंने इसे कई बार ट्राई किया। तो जैसे अगर सर्दी में इस्तेमाल करते हो तो ठीक है, लेकिन आप गर्मी में इस्तेमाल करते हो तो उसको लगाने के बाद आपका फेस थोड़ा सा ऑयली लग सकता है। इसके बाद लगाने में थोड़ा टचअप मीन्स आपको कॉम्पैक्ट यूज़ करना पड़ेगा फेस पाउडर, उससे अगर आप लगाते हो तो शायद आपको उतना पसीना ना आए, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो स्किन के लिए अच्छा, लेकिन ऑयली स्किन वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरे स्किन जैसे कॉम्बिनेशन है तो उसको लगाने के बाद मुझे पसीने हो रहे तो गर्मियों के हिसाब से ये क्रीम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कॉम्पैक्ट लगा कर अगर सेट कर लेते तो शायद 2-3 घंटे तक तो ये टिकी रहेगी, लेकिन ये खास कवरेज आपको नहीं देती गार्नियर क्रीम। लेकिन अगर ट्राई करना चाहें तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पॉन्ड्स की बीबी क्रीम की। तो ये वाइट ब्यूटी बीबी क्रीम है और इसमें ऑल इन वन है, बीबी प्लस फेयरनेस क्रीम है। और बात करूँ तो ये SPF 30 है, इसमें आपको SPF 24 मिल रहा था और इसमें आपको SPF 30 मिल रहा है। और मैं आपको पास से दिखा दूँ तो ये जेन वाइट कवर फार्मूला है। ये क्या क्लेम करता है मैं आप ये भी देख सकते हैं, ये आपकी इंस्टेंट नेचुरल ग्लो एंड परफेक्ट लुक एवरीडे। और ये दोनों क्रीम मैंने यूज़ की हुई, आप देख सकते हैं दोनों का जो ट्यूब है वो बिल्कुल जैसे पॉन्ड्स की मैंने ज़्यादा यूज़ की, जैसे मैंने बताया कि गार्नियर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई तो मैंने फिर भी इसे यूज़ किया था ताकि आप लोगों को रिव्यू दे सकूँ। तो दोनों क्रीम्स मैंने यूज़ की है, मैंने आपको अभी इसको डेमो दिखाया और कैसी लगी मैंने आपको ये बताया। अब इस क्रीम को मैं लिखाती हूँ तो सबसे पहले आप इसका कलर देख लीजिए किस तरीके की है। तो ये बात करूँ गार्नियर के हिसाब से ये थोड़ी गाढ़ी है, क्रीमी टेक्सचर जैसे बोलते हैं उस तरीके की है। ये जैसे ही टिंटेड मॉइस्चराइजर जैसे फॉर्म में था, लेकिन बात करूँ उसकी तो ये जैसे फाउंडेशन आते हैं उसके तरह है ये, और इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। आप इसे देख सकते हैं ये आपकी स्किन में तो ब्लेंड हो जाती है। और अगर बात करते हैं इसका जो शेड है वो थोड़ा योइश शेड जैसे बोलते हैं उस तरीके से, तो ये स्किन टोन में अगर आपकी थोड़ी सी डार्क स्किन टोन है, डस्की स्किन टोन, तो उनके लिए भी ये सूटेबल है और ये गर्मियों के हिसाब से अच्छी है।
क्योंकि आपके इसको लगाने के बाद ही आपकी फेस को मैटिफाई लुक देगा, बिल्कुल मैट लुक देता है। इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी पसीने नहीं होते। लेकिन हाँ, जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए थोड़ा सा अगर मॉइस्चराइजर ऐड करके अगर इसको लगाते हैं तो उसके लिए ये अच्छा है। ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा। जैसे बीबी क्रीम है, ये है गार्डियन, को आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है लेकिन कवरेज नहीं देता। लेकिन पॉन्ड्स स्किन की बात करूँ तो इसमें मॉइस्चराइजर नहीं है। हाँ, ड्राई स्किन वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कवरेज की बात करूँ तो ये बहुत अच्छा कवरेज देती है। आपकी स्किन पे जितने भी ब्राउन स्पॉट्स होते हैं या डार्क सर्कल होते हैं, इससे बहुत अच्छे से कवर करता है। और आपके अगर आप डेली यूज़ के लिए चाहते हो तो ये बहुत अच्छी क्रीम है। जी हाँ, इसमें SPF 30 दी है और आपके फेस को बिल्कुल इंस्टेंट ब्राइट बना देती है। और आप देख सकते हैं मेरा हाथ बिल्कुल मैट लग रहा है। कवरेज की बात करूँ तो 3 से 4 घंटे का अगर आपको कवरेज देता है, आप टचअप नहीं करते तो भी 3 से 4 घंटे भी आराम से चल जाएगी। और इसमें SPF भी है और आपके फेस को बिल्कुल इंस्टेंट तो ब्राइट लुक तो देता है, साथ में मैट लुक। और गर्मियों के हिसाब से बात करूँ तो बहुत अच्छी क्रीम है। और प्राइस की बात करूँ तो इसका जो प्राइस है 140 रुपीज़ है, और 140 रुपीज़ में आपको क्वान्टिटी मिल रही है 18 का। जी हाँ, तो दोनों के जो प्राइस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये है 135 एंड ये 140। इसमें SPF आपको 24 मिल रहा था, इसमें SPF 30 मिल रहा है। लेकिन हाँ, दोनों में एक डिफरेंस है। इसकी बात करूँ तो ये कवरेज आपको ज़्यादा देती है। अगर आप ज़्यादा कवरेज चाहते हो, कोई ऐसा चाहते हो कि बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो और आप फाउंडेशन भी ना लगाए, तो आप पॉन्ड्स की बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हो। ऑफिस जाते हो या डेली बेसिस पे भी अगर चाहते हो कोई हाई कवरेज वाली क्रीम, तो आप बिल्कुल पॉन्ड्स की बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा कवरेज देगी आपको, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। गार्नियर की बीबी क्रीम, जिनकी स्किन बहुत फ्लॉलेस है, इनकी स्किन पे स्पॉट्स वगैरह नहीं है, बस हल्का लाइट कुछ कुछ चाहते लगाना जिसमें ट्रिट भी हो, फाउंडेशन भी ना लगे, हैवीनेस ना आए, उसके लिए बीबी क्रीम अच्छी है। ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छी है, ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसको लगाने के बाद उनके फेस से एक्स्ट्रा ऑयल निकलने लगेगा, जैसे मुझे लगा। तो फिलहाल ऑल इन वन की बात करूँ तो अगर आप गार्नियर और बीबी में से कोई क्रीम खरीदना, सॉरी पॉन्ड्स एंड गार्नियर में से कोई क्रीम लेना चाहते हैं, तो आप पॉन्ड्स की बीबी क्रीम बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये दोनों क्रीम्स आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट अमेजन ये हर जगह मिलती हैं, और आपके स्किन टोन को ये सूट भी करेगी। जी हाँ, ये दोनों क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।